अरे साहू दोस्तों, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पूरे मराठा में सभी धावक लोग पहुंच चुके हैं, मतलब कुछ लोग अभी पहुंचे हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। तो आज हम लोग मनाएंगे शिक्षक डे, मतलब टीचर डे। तो गाइस एक बार दिखा देता हूँ सभी लोगों को, सकते हैं हमारे भाई लोग सभी पहुँच चुके हैं, फुग्गा फुलो रहे हैं अभी। ये देख सकते हैं रोशन भाई बस्तरिया बाबू, ये हमारे साहूबली, सभी लोग यहाँ पर हैं। लोकेश भाई, ये देख सकते हैं हमारे ध्रुव राठी, ये और ये कॉल में बात करते हुए, सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अधिक थोड़ा फुग्गा फुलो लिए। आप लोग हमारे अकेडमी से हैं क्या? अच्छा अच्छा, पहचान भी नहीं आ रहे ना इसलिए। और उधर भी कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं। हाय, जो कि तैयारी लगभग कंप्लीट करने वाले हैं हमारे सभी गर्ल्स लोग, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। क्या बात है, क्या है आपका खूबसूरती का राज? मेरा खूबसूरती का राज मैं खुद हूँ। वाह क्या बात है, ये देख सकते हैं सभी लोग आ गए हैं, जो कि पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। क्या बात, चलिए जल्दी आप भी आइए थोड़ा सा सहयोग देने के लिए। और इधर ये देख सकते हैं हमारी अकेडमी की, आप लोग मोबाइल में गाना सर्च करके सुन। हाँ ठीक है, गाना वाना चलावा गाइस। यहाँ पर मैं संघर्ष में लगा हूँ गाइस, देख सकते हैं मैं पहाड़ों पर आ चुका हूँ, मतलब ये बहुत ऊपर चढ़ चुका हूँ। ये देख सकते हैं लोग जमीन पर हैं अभी, और मैं ऊपर यहाँ पर लटक चुका हूँ देख सकते हैं। और बाकी लोग यहाँ पर कार्य कर नहीं रहे गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा देख लीजिए, ये लोग यहाँ पर सेल्फी करने के लिए आए हैं, ठीक है? और यहाँ पर कुछ दीदी लोग अभी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं बहुत संघर्ष। आपका नाम बताइए थोड़ा सा। क्या? जामवंती गेंदले। ये लोग थोड़ा सा अभी मेहनत कर रहे हैं गाइस, ये देख सकते हैं। और बाकी लोग यहाँ पर बैठे, ठीक है? विक्रांत सर देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, यही लोग हैं, देख लीजिए। और उधर भी बैठे हुए हैं, और इधर भी बैठे हैं, और ये आ चुके हैं। हाय, बहुत जल्दी आ रहे हैं, ये देख सकते हैं मेगा देवांगन। हेलो गाइस, तो गाइस देख सकते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्या आपको मेरा मेहनत दिख रहा है? तो यहाँ का पार्ट कट किया जाए। और ये देख सकते हैं गाइस, अभी यहाँ पर धावक लोग हमारे एकदम फूल माला लेकर उपस्थित हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग, सभी लोग हाय, ये देखिए सभी लोग आ चुके हैं। क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। तो नमस्कार, मैं हंचल कुमार, कृष्ण विक्रांत फिजिकल एकेडमी के बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। आज दिन है 5 सितंबर, 5 सितंबर को हम यहाँ शिक्षक दिवस में आज यहाँ कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एकेडमी के गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, और बहुत अच्छा ढंग से आज का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जी 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 बिल्कुल, सभी तैयार है, हाथ में कुछ पंखुड़ियां हैं, और सभी नयन ताक रहे हैं कि सर कुछ पैसा दिन का आगमन होगा तो हम लोग जी 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 स्वागत करेंगे। और उसके बाद बहुत सारा कार्यक्रम आज हम लोग करेंगे कि एक दिन होता है जो शिक्षक को समर्पित होता है पूरा आदमी। जी 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 बिल्कुल, हम ले रहे हैं। और आज अमन बोलिए बोलिए बोलिए। तो आज हम लोग मनाएंगे, और निश्चित रूप से बिल्कुल तू आते आगे आगे, और निश्चित रूप से सभी तैयार हैं, कुछ क्षण पश्चात आज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हम जी 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 बिल्कुल सर के स्वागत के पुष्प की पंखुड़ी लेकर उनकी इंतजार कर रहे हैं, राह तक रहे जिनको बोल सकते हैं। और उनके पश्चात कुछ क्षण पश्चात आज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हम देख सकते हैं सभी के चेहरे पे खुशी, सभी आप मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग हर कार्यक्रम
हर कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाते हैं। एकेडमी का हमारा एक परंपरा है कि कार्यक्रम जो भी बहुत अच्छे ढंग से सब मिलकर सब साथ के सब सब प्रकार अभी वाले खतर बदल खड़ा सर मैं नहीं एकदम सीधा हो जा रहा है। प्रकाश भाई बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं आज के लीड के लिए। प्रकाश भाई को थैंक्स बहुत बहुत। जी जी हमारे प्रकाश भाई लगे हुए हैं बहुत ही प्यारा दिख रहे हैं और वॉइस तो हमेशा दिखते ही है नो डाउट। और कार्यक्रम कुछ क्षण पश्चात प्रारंभ होगा और सभी अभ्यर्थियां उपस्थित हैं और ये देखिए आपके आ रहा है भाई बना हुआ है रेड कार्ड था मैं बढ़िया है और चेहरे पर रौनकता है और जी जी है क्योंकि आज के दिन हमारे शिक्षकों के लिए समर्पित दिन है और यहाँ मंच भी तैयार हो चुका है। जी जी रेड कार्पेट मंच तैयार हो गया है और कुछ समय बाद फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से बहुत ही जोरदार और मजेदार आज का कार्यक्रम रहेगा टीचर्स डे। और आप यहाँ देख सकते हैं मंच होगा यहाँ पर स्टार्ट दिस प्रोग्राम इज अ वेरी वेरी ऑसम देन वी विल डेडिकेट टू अवर टीचर्स। रेड कार्पेट लगा हुआ है सभी बच्चे एकदम खुश है और आज का कार्यक्रम बहुत धांसू है। आप बने रहिए लाइव ठीक है। जी जी बिल्कुल हम बने हुए हैं धन्यवाद। चलो गाइस अभी हमारे सर लोग आने वाले हैं तो सभी लोग हो जाते हैं कतारबद्ध और उसके बाद आपको दिखाते हैं हमारा भव्य स्वागत कार्यक्रम। और ये हमारे साथ है शुभम भाई। चलो तो गाइस और ये हमारे देखते हैं मोनू भाई कतारबद्ध खड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं क्या क्या रखे हो सभी 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 जय जोहार। चलिए भाई लोग पूरा स्वागत कीजिए सभी का अपने आप का भी। जी 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 बिल्कुल तो देख सकते हैं गाइस हमारे सर जी लोग आने वाले हैं उन लोग का भी भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर व्यवस्था करते हुए। आइए आइए हमारे कृष्णा सर विक्रांत सर आइए। हमारे आदरणीय महोदय जी आ चुके हैं। आराम से आराम से आइए सर आइए। आइए आइए विक्रांत सर को भी आने विक्रांत सर को भी सर आराम से आराम से विक्रांत सर को भी आने दीजिए। स्वागत है आपका स्वागत है हमारे कृष्णा सर विक्रांत सर का स्वागत है आज के शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में। इस अवसर पर बहुत बढ़िया आज का कार्यक्रम हमारे बीच ये हमारे कोटियों का आगमन हो गया बहुत ही बढ़िया अच्छे ढंग से कार्यक्रम आज का जयदा तालियों से पीछे तालियां तालियां हमारे कृष्णा सर विक्रांत सर के लिए। आइए आइए सर आइए मंच तक आने के लिए बहुत समय लगेगा अभी बहुत इंतजार कर रहे हैं हम। तालियां 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 बहुत ही बढ़िया आज का कार्यक्रम प्रारंभ चरण में प्रथम चरण बहुत ही बढ़िया। आइए स्वागत आइए सर आपका स्वागत दो शब्द में सर का मैं स्वागत करना चाहूंगा सब ध्यान से सुनिएगा। आप जिस रास्ते से आए धूल धूल नहीं चंदन है आप जिस रास्ते से आए धूल धूल नहीं चंदन है आज के कार्यक्रम आपका हार्दिक अभिनंदन है अभिनंदन है। हमारे मंच में विराजमान होंगे हमारे रिस्पेक्टेड कोच हमारे सर कृष्णा सर विक्रांत सर बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए और इनके पास आज का कार्यक्रम लगातार निरंतर चालू रहेगा। सबसे पहले हमारे जो माता सरस्वती है उनके चित्र में माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दीप प्रज्वलित कर सबसे पहले माँ सरस्वती के चलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर आज का कार्यक्रम प्रारंभ। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस सभी लोग यहाँ पर हमारे धावक लोग उपस्थित हैं देख सकते हैं सभी लोग अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। हेलो गाइस हाय हाय हाँ सभी लोग कैप्चर हो रहे हो आ जाओ कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और सभी
आइए आइए, सभी को बोलने का अवसर दिया गया है। की चलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे हमारे रिस्पेक्टेड कोच कृष्णा सर, विक्रांत सर, उनका सहयोग करेंगे ज्योति शर्मा और विद्या पांडे, और हमारे गीत दीदी और जयश्री, उनके पश्चात जो आगे का कार्यक्रम है वो निरंतर बना रहेगा। माता की जय, छत्तीसगढ़ माता रे की जय, छत्तीसगढ़ माता रे की जय। सभी हमारे धावक बॉयस लोग भी आ चुके हैं, देख सकते हैं गाइस, जी जी बिल्कुल, म्यूट कर दे भाई, ये देख सकते हैं बांदी भैया भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी कमांडो हमारे उपस्थित। एकदम सर हीरो लग रहे हो सर, क्या लग रहे हो सर, वाह, अरे सर चलिए चलिए, बॉयस लोग, बॉयस लोग तो आज पूरा वर्दी पहन के आ चुके हैं। ये मितेश भैया हमारे हीरो आ गए, हाय गाइस, हाय गाइस, राम राम, जय जोहार, जय संगवारी हुआ, जय सरस्वती वंदना के लिए विद्या पांडे, ज्योति शर्मा, और स्वागत के लिए, स्वागत गीत के लिए तैयार रहेंगे पूनम राठौर और छवि आरोही, ठीक है। कृष्णा सर, विक्रांत सर, माँ सरस्वती में दीप प्रज्वलित कर आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ, रिस्पेक्टेड सर हमारे दोनों, आइए आइए सर, आ जाइए सहयोग देने के लिए, हमारे रिस्पेक्टेड सर कृष्णा और विक्रांत सर, जय 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 सरस्वती माता, सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय। सभी भाई लोग हैं अपना सहयोग देने के लिए आए हैं यहाँ पर, और सारे गर्ल्स कमांडो सभी लोग हैं यहाँ पर, और ये हमारे पांडे भैया, बढ़िया, जय क्या बात, स्वागत का मंत्र उच्चारण कर दो पांडे भैया, सरस्वती मैया की जय, राधा कृष्णन की जय, इनके पश्चात सरस्वती वंदना के लिए यहाँ सरस्वती वंदना के लिए आएंगे ज्योति शर्मा और विद्या पांडे, माला पहना यहाँ आइए, बहुत ही बढ़िया, जय सरस्वती, जय सरस्वती माता, सरस्वती माता की जय। अभी सरस्वती वंदना होंगे, अरे ज्योति शर्मा और विद्या पांडे के द्वारा नारियल यहाँ पर चढ़ाते हैं, जय सरस्वती माता। चलिए तो आगे की कड़ी को हम, जी जी जय जय सरस्वती माता। तो चलिए आगे की पंक्ति को बढ़ाइए, या सुप्रभ सविता, या वीरावर दंड मंडित करा, या श्रेष्ठ परमासना,
क्या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता तामां पातु सरस्वती भगवती निस्देश जाड्यावहा। बोलो सरस्वती मैया की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत बढ़िया। इनके बाद हमारे जो राष्ट्रगान सरस्वती डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन की जय। गणेश भगवान की जय। हनुमान भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। धर्म की जय हो। कल्याण हो। जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। चकाचक लड्डू वाले की। इनके पश्चात एक और बहुत ही बढ़िया हमारे बीच वीणा वादनी के लिए बहुत ही सुंदर गीत लेकर आ रहे हैं। जय सरस्वती माता की जय। बन जाऊं तार ऐसा दिन मुझको माँ वरदान तेरी वीणा की बन जाऊं तार ऐसा दिन मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती जय माँ सरस्वती जय माँ सरस्वती विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता तुम ही स्वर की हो देवी हो माता मैं भी जानू सुरों का सार मैं भी जानू सुरों का सार ऐसा दे मुझको माँ वरदान मेरी वीणा की बन जाऊं तार पश्चात हमारे जो रिस्पेक्टेड कोच है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीफल सर श्रीफल को तोड़ दीजिए। आइए सर आइए आइए स्वागत में आपका देख सकते हैं गुब्बारे फूट रहे गाइस। आइए सर आइए आइए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्वागत किया जाए। चलिए सर जी विराजमान होइए अपने स्थान पर। श्रीफल को यहाँ पर छीलते हुए भाई लोग बस्तरिया की बार छील दे बस्तरिया क्या बात ये छीले के बार में छील डाले इसका
और ये देख लोकेश भाई, मिलन भाई तो खटाखट छील रहे हैं यार, ये भरोसे भी हाथ बढ़ा रहे हैं। अब बस्तर है 2.0, क्या बात है गाइस, छिलो छिलो। सेम वैसी मेरे को भी अभी लग रहा है कि आप लोग वर्दी पहने। चलो श्रीफल तोड़ेंगे हमारे हेयर स्ट्रेचर टूल, क्या बात है सर, आज नहीं कराएंगे स्ट्रेचिंग भी, 4 घंटा लेंगे आराम से। ORS ब्लू कौन दिलाया ना, सभी भैया की जय। सरस्वती माता की जय। वाह सर, एक ही बार में सीधा सरस्वती माता में। विक्रासन की पारी, आधा बार में टेम्पो, ज्यादा ताकत मत ये। जय श्री कृष्ण, क्या बात है सर। सरस्वती माता की जय। पुलिस ग्राउंड की जय। लगभग यहाँ पर फोड़ डाले गुब्बारा को पूरी तरीके से, और फोड़ दे बड़े, दो ठी आओ बचे हैं। डहरिया सर जोरदार तालियां हमारे रिस्पेक्टेड कोच के लिए, जो आज हमारे बीच उपस्थित है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस रूप में आज हम लोग मना रहे हैं, अब प्रयास करेंगे बहुत अच्छे रैंक सॉल्व करने का। इनके पश्चात अंबुज तिवारी भाई आएंगे, बर्मन भाई स्वागत के लिए आएंगे हमारे मंच में, आइए बर्मन भैया। जोरदार तालियां, तालियां बजते रहना चाहिए। उधर जो व्यवस्थित ढंग से उधर इधर आइए, आयुष भाई सब इधर आइए, व्यवस्थित ढंग से रहिए, सभी लोग आ जाइए। इनके पश्चात आमंत्रित करता हूँ पूनम राठौर और छवि यादव को स्वागत गीत के लिए, आइए जोरदार तालियां पूनम और छवि के लिए। सुनिए ना, जो उधर उधर लास्ट में आयुष भाई, आयुष इधर आइए, सब इधर आइए, इधर आइए, सब बहुत फैले हुए इधर आइए, सभी के सभी इधर आइए। ओम भाई सब इधर आइए ना। ध्वनि मंगलम मन की पीड़ा से गुंजित, ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 सारेगा मग मगरे मग मगरे निसरे गरे गरे सा गरे गरे सा कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आपे आए अतिथियों की सरताज है, देवी की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे घर घर सा घर घर सा, मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, शरद के फूलों से हमने माला बुनी, शरद के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 सारे गा मग मगरे मग मगरे नि सारे गर गर सा गर गर सा। जय माता की जय। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुति, और इनके पश्चात हमारे बीच एक छोटा सा केक कटिंग का कार्यक्रम है। बैठिए आप, बैठिए सर आप, प्लीज आप बैठिए ना, बैठिए आज आप बैठिए, आप रेस्ट करिए, आप ग्लूकोन डी प्लस वाटर बॉटल है, ग्लूकोन डी ORS का घोल लेकर दीजिए थोड़ा सा जल्दी बना कर। सभी लोग अपनी पोजीशन में रहिए, चलिए सावधान विश्राम सावधान।
शुरू करें? यस सर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उचल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उचल जल सितरंगा। तब शुभ नामे जाके तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद की जय। थोड़ा सा राष्ट्रगान भी हल्का सा चूक हो गया इसके लिए क्या है, बहुत दिनों बाद गाने से तभी से गड़बड़ होता है, कोई विशेष बात नहीं इसमें। बहुत ही बढ़िया यार, अनुमान लगाते हैं। देखिए धीरे धीरे केक खुल रहा है। केक खोलने वाले हमारे पांडे भैया अमन भाई, और ये क्या है, बहुत ही बढ़िया केक। वाह वाह, तीन मंजिला। आइए तीन मंजिला। ये देख और हमारे रिसेप्शन भैया लोग। गोला भी है, गोला भी है, दो किलो का केक कटिंग करेंगे। सामने से ना, सामने थोड़ा हाथ दीजिए क्योंकि सुनिए बहुत स्पेशल बात, थोड़ा सा कल भी रह जाएंगे क्योंकि उधर भी और कार्यक्रम के लिए। एक मिनट रुकना भैया। आइए, इसमें गोला भी है, लड़की लोग के लिए अलग है, लड़के लोग के अलग है। गोला भी है इसमें। भाई लोग थोड़ा साइड हो जाइए। आइए पंक्ति में रहेंगे। हाँ पंक्ति में। या सर सभी लोग आनंद लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सभी धावक लोग यहाँ पर बैठे हैं केक खाने के लिए, अभी बैठे हुए हैं देख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया केक सुंदरता क्या केक की। इधर आ जाइए आप भी, पिंटू इधर आ जाइए। सभी को मिलेगा वहाँ तक अंजू केक मिलेगा, पर दिखाई दे रहा है पक्का आपको मिलेगा, चिंता मत करो, दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। ताली बजा दे क्या एक बार अच्छा से। चलिए 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 बहुत अच्छा तरीके से। हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन, सब कहेंगे हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। बार 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 दिन ये गाय हजार। ताली ताली बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या बात है, हैप्पी टीचर डे। गुब्बारा फोड़ भाई, एक दो ठी यार फोड़ना यार, एक दो ठी यार। हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया है। और कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, सभी बहुत बढ़िया मन प्रसन्न। ओके ओके। और एक दूसरे से बहुत ही प्यार हमारे बीच सर के बीच में, जय विनोद जैसी दोस्ती हमारे कृष्ण और विक्रांत सर में, एक दूसरे के पूरक है, तो निश्चित रूप से एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड को सर। ये देखिए ये बहुत बढ़िया, केक को साइड कर दीजिए। हाँ सही है, कितने होगा? सबको मिलेगा, सबको मिलेगा यहाँ पर, सबको मिलेगा। कैसा लगा सर, टेस्टी था ना केक? बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी हो गए। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बहुत बढ़िया, तालियां 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 बजती होनी चाहिए इनके पश्चात हमारे गर्ल्स तैयार रहेंगे। देख सकते हैं हम लोग अभी जो गिफ्ट दिया, एक फोटो लेंगे, एक फोटो हमारे रिस्पेक्टेड कोच की स्वागत के लिए बाहर बैठे छोटा है हमारे एकेडमी की तरफ से, तालियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं। हाँ हाँ ठीक, तालियां
हम लोग के टाइम ऐसा फोटो खींच देते थे सभी लोग, जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक होने के सभी धावक आ जाइए, आइए आइए कैमरा मैन। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षक दिवस मनाने के लोग इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाइए, आ जाइए सभी लोग, सभी लोग और बैठ जाओ, आधे लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत ही अच्छे तरीके आगे जो है डांस चालू होने वाला है, नृत्य हमारे बीच लेकर आ रहे हैं बबीता एंड ग्रुप, बबीता एंड ग्रुप डांस लेकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बबीता एंड ग्रुप, सभी आइए। तो डांस के लिए आनंद लेंगे सभी लोग, अपने ग्रुप लेके आइए ना, और ये सुनो ना सब लोग हैं, सब लोग आइए आइए डांस का आनंद लीजिए। अगले बरस तो तरीके से यहाँ पर खाने का व्यवस्था कर दिया गया है, नाश्ते का ये देख सकते हैं चारों तरफ, और ये देख सकते हैं सभी यहाँ पर धावक लोग उपस्थित हैं हमारे, वाह, और जलेबी भी इधर है, रसगुल्ला भी है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आए से यहाँ पर आनंद, फूलमती फूलमती जिनका विचार है तो निश्चित रूप से एक डांस विचार। सभी गाइस हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं सभी धावक, चलिए तो लिम के डारा डांस करने के लिए रेडी रहिए सभी यहाँ पर आ चुके हैं, कोई यहाँ पर छूटा नहीं है, ये देख सकते हैं सभी लोग थाली बजा रहे हैं क्या,
धूक रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे दीदी के लिए। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा देख सकते हैं, 100 लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हमारे सर लोग, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पहले से बता दे रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस कृष्णा सर, अविग्राम सर, मोटहरिया सर के जब से मैं मिली और अभी तक इनके साथ जो मेरा यात्रा है, इस यात्रा को मैं दो लाइन में व्यक्त करना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं कुछ बोलने नहीं जा रही हूँ। ए भाई, ध्यान से सुनना है ना, उसी में पूरा अर्थ नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं इधर नाश्ता लेने आया, कहाँ फंस गया भाई? वो मेरे जिंदगी में किस्सा नहीं कहानी बनकर आते हैं, वो मेरे जिंदगी में किस्सा नहीं कहानी बनकर आते हैं, वो हर दिन मुझे अपना कीमती वक्त तोहफा देकर जाते हैं, वो हर दिन की तरह मुझे अपनी कीमती वक्त तोहफा देकर जाते हैं, शायद ही मैंने कदर की हो उस तोहफे की, शायद ही कदर की हो मैंने उस तोहफे की, वो आज से आज भी मुझसे हर वो बात कह जाते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे मित्रगण, आप सबों के लिए भी एक संदेश देना चाहती हूँ। शिक्षक का मार्गदर्शन एवं ज्ञान ही हमारे सपनों की नींव होता है। शिक्षक का मार्गदर्शन और ज्ञान ही हमारे सपनों की नींव होता है, इसलिए हमेशा शिक्षक का सम्मान आदर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विचार था कुलमंत्री जी का। और हमें भारतीय परंपरा में हमेशा से चला आता रहा है कि माता पिता और गुरु का जो स्थान है वो अद्वितीय है, इनके स्थान कोई नहीं ले सकता है। और हमारे बीच हमारे रिस्पेक्टेड कोच कृष्णा सर, विक्रांत सर हमारे लिए कितना समर्पित भाव है। हम वही पुलिस ग्राउंड में है जहाँ हम सभी मिले हो, सभी को याद रखा कि हम पुलिस ग्राउंड में ही मिले हैं, यहीं से रिश्ता बना है टीचर स्टूडेंट का। और लगातार आप निरंतर बहुत अच्छा ढंग से हमारे बीच ये चल रहा है कि पुलिस भर्ती हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे फॉरेस्टर हो, नगर सेना हो, और कोई प्रकार की भर्ती हो, यहीं से तो यहीं लिए हमारे जो रिस्पेक्टेड, ये देख सकते हैं हमारे भाई लोग नाश्ता बांटते हुए, कौन बांट रहा है भाई इधर, तो हम बोल सकते हैं ना, कलम में लिख, ये देख सकते हैं नारिया नाश्ता लेते हुए, जो हम केवल अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। तो और अच्छी बात यह है कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे फिजिकल डेट भी आ गया, जैसे विक्रांत सर और जोना सर में बता रहे थे, निश्चित रूप से उनके लिए भी प्रतिबद्ध है। अरे वाह, जले मेघा अपना डांस लेकर आएंगे, आपके डांस का गाना बोल क्या है? पहले खाना तो खाने, उसके बाद खा ले, डांस कर ली, आइए। और हमारे बीच बहुत ही अच्छा डांस लेकर आ रहे हैं मेघा देवांगन, जोरदार तालियां मेघा के लिए, जो बहुत ही अच्छा डांस करती है, हिप हॉप चाहे कोई भी डांस हो। Oh,
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाश्ता का समय हुआ था, सभी लोग यहाँ पर खा लिए हैं। ये देख सकते हैं केला सेब क्या क्या खा लिए। अच्छा अच्छा, वो बाद में मिलेगा, ठीक है। सभी लोग को यहाँ जी जी रसगुल्ला का पेटी अभी खोलने वाला है। और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जी जी, जिनका नाम सूची में नहीं है और जो अपना संगीत नृत्य जो भी विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे वे आ सकते हैं मंच में। उनके मंच जी जी आइए, नाम लिखवाइए लिंक के डारा में। नहीं लिख पाए हैं थोड़ी जल्दबाजी की वजह से, तो और कोई इच्छुक है। चले चले, थैंक यू सो मच। आई माइसेल्फ अमिषा जांगड़े, आई एम फ्रॉम शक्ति। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय रिस्पेक्टेड सर, माय ब्रदर एंड सिस्टर। सो वी ऑल नो दैट टुडे 5th ऑफ सितंबर टीचर्स डे सेलिब्रेशन। सो फर्स्ट व्हाई वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, सो व्हेन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962। After long time, I hold this mic, so मेरे को बहुत ज़्यादा fear लग रहा है। So sorry. He was visited by a few students with a request to celebrate his birthday on September 5th. However, he suggested that the students dedicate the day of teachers, the September 5th, started being observed as Teachers Day in India. That's why we celebrate Teachers Day on 5th of September. So thank you so much for guiding me, the teaching me. How to do life, teachers guide us through life. I believe without your guidance and patience, I would have been lost in this life. Thank you for finding me and recognizing me and his skill and making me a better person. So thank you so much. Sorry, mera bahut just weird lag raha hai. Once again, I want to say that after a long time, I hold this mic. So that's why mere andar abhi fear hai. So thank you so much to give me such a great opportunity to say something about myself and my thoughts. Thank you so much. बहुत बढ़िया। Very precious speech by Amisar. Very precious speech. We are glad. आप सभी जानते हैं आज हम लोग टीचर्स डे के लिए उपस्थित हुए हैं और आज हमारे दोनों टीचर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, विक्रांत सर और कृष्णा सर डहलिया भैया। आप सभी को एक बार और हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे सभी को। हमारे से भी क्या ही बोलूं, एक तो है तो साथ साथ तो दूसरा भी ना बोलूं। हमारी लाइफ में दोनों चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक व्यक्ति के लिए, तो हम दोनों सर को अपना आइडल मान सकते हैं। और मेरे तो है ही शुरू से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं इस ग्राउंड में आई तब मैं कृष्णा सर से जाना, मेरे पहले गुरु है वो इस ग्राउंड में, और जब तक मैं इस फील्ड में रहूंगी मेरे गुरु भी वही रहेंगे। मैंने इसमें कुंती उंगली पकड़ के आगे चलना सीखा। विक्रांत भी यार उन्होंने डिसिप्लिन बताया, डिसिप्लिन में बनाई रहती थी। सच्ची बताओ फिर विक्रांत भैया पनिशमेंट मिलता गया, अब आदत सी बन गई है। वाह बहुत बढ़िया। और अब तो अपने पिकअप मार मार के अब तो आदत हो गई कि पर डे पिकअप्स करना। एक बार और 90 पुश अप। ये हम लोग इस बीच ही बोले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, है ना? तो एक बार आप सभी बोले हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। आवाज में दम नहीं है। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। फिर भी मजा नहीं आया क्यों ज्योति शर्मा? हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। आप हुई नंबर। थैंक यू सो मच। और आगे यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग अच्छे से रहे, सभी लोग सर लोग सिर्फ एक ही उम्मीद है हैप्पी टीचर डे कार्यक्रम बनाने का, सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है। हम सर लोग हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, साल में एक बार दिन आता है, हम लोग कर सकते हैं ना? हम लोग कर सकते हैं। यस सच्ची। यस तो आज क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए। इधर आ भाई लोग। एक लड़की की आवाज इतनी है तो लड़कों में नहीं है क्या? चलो ठीक, मुझे जाना है, मेरी यहाँ छोटी बहन आई वाला प्रोग्राम है स्कूल में, इसलिए मैं सिर्फ आई थी। कई लोग मुझे जानते नहीं होंगे बट इट्स ओके, मुझे कोई नहीं, बट मुझे यहाँ बोलना था वर्ल्ड में बेस्ट टीचर होंगे कृष्णा सर एंड विक्रांत सर, क्योंकि मैं खुद एक ग्राउंड से आई हूँ। टीचर्स लोग स्टूडेंट को समझते
पिकनिक कराएगा ना कई लोग वर्दी में आएंगे, मैं तो बिल्कुल आऊंगी बिल्कुल आऊंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर किसी में होना चाहिए कि हम लोग वर्दी में आएंगे तो वर्दी में ही आएंगे, क्योंकि सर लोग हम लोग से क्या मांगे गुरु दत्त में वर्दी वर्दी वो नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं तभी तो वर्दी में आएगा। दम दिखाओ भाई, मेहनत से आएगा, त्याग से आएगा, परिश्रम से आएगा। महाभारत में यही सिखाया गया है, बताया गया है, अगर जो ब्राह्मण होंगे वो लोग तो और अच्छे से समझे होंगे कि बिना त्याग और परिश्रम के कुछ मिलने वाला नहीं। राम को दूसरे दिन क्या राजमहल मिलने वाला था, फिर क्या मिल गया? वनवास। किस्मत में क्या लिखा रहता है किसी को नहीं पता है ना। जय श्री राम। तो आप लोग अपना प्लेट दीजिए और सर लोग का बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। वेलकम। हम सब के सामने फूलो दीदी है। फूलो दीदी के आप लोग एक बार जोर से तालियां बजाइए, क्योंकि फूलो दीदी हम लोग के लिए इंस्पायर है। ओए फूलो दीदी ये उनके बारे से क्या कहूं, वो इतना सा एक कुछ सेकंड बोला जाता है 100 फीट उसमें हुआ, क्योंकि उस दिन बरसात हुआ था और सिंथेटिक ग्राउंड में स्पीड नहीं पर था। बेचारी कितनी मेहनत, मेरी आंखों देखने की बात है ये। और कई लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग ये सोचते कि हमारा हाई जंप नहीं हो रहा, बोला नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो बेचारी आज तक एक शब्द नहीं बोली। वो ऐसा ही नहीं हुआ, बट आज वो कर रही है। हम लोग आज उनको देखिए बिल्कुल देख सकते हैं, वो हमारे लिए एकदम रियल इंस्पायर है जो आज सबके सामने है। आई एम प्राउड ऑफ यू दीदी। और विष्णु दीदी वो तो मेरी बिल्कुल दी है, मेरी दी का अभी शादी हो गया पर मेरी दीदी का पूरा फर्ज निभाती है, डांटती भी उतना ही प्यार करेगी मेरे से, हर चीज के लिए छोटी बड़ी चीज के लिए बोलती है। यहाँ बोलने का सिर्फ ये नहीं है कि मुझे बोलना है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, चाहो तो आप लोग भी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जी थैंक यू। बहुत बढ़िया जैन भाई है नहीं। कविता बोलना चाहता हूँ। जी गुरुदेव मेरे प्यारे तेरे सहारे जीवन अपना बिताना है हमें, जिंदगी का साथ निभाना है हमें, हम जानते हैं तुम्हें मानते हैं, प्रेम का दीप जलाना है हमें, जीवन अपना बिताना है हमें, गुरुदेव मेरे प्यारे तेरे सहारे जीवन अपना बिताना है हमें। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई। इनके पश्चात कभी डांट कर दो कभी प्यार से, कभी डांट कर दो कभी प्यार से, 1600 800 700 मीटर दौड़ना हमें सिखाते हैं। बहुत बढ़िया और इनके पश्चात मैं सभी से बोलना चाहता हूँ जो अपने विक्रांत सर और कृष्णा सर हेलो मैं सभी से बोलना चाहता हूँ जो अपने विक्रांत सर हैं और कृष्णा सर हैं, हम लोगों के लिए वो आदर्श हैं और हम अपनी पूरी लगन और पूरी मेहनत से हमें उनका सपना और हमसे ज़्यादा तो उनके लिए हमारा सपना महत्वपूर्ण होता है। हम चाहते हैं कि इस ग्राउंड की अवहेलना ना करते हुए सब कोई अपने अपने कार्यक्रम में अच्छे तरीके से भाग लिए, और इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अपनी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं और जिनको भी थोड़ी सा भी प्रॉब्लम होती है वो अपनी प्रॉब्लम जो है सर से अपना वो कर सकते हैं बता सकते हैं, लेकिन ये भी है कि सर की पूरी जो भी बात बोलते हैं सर उनका मानना चाहिए उनको, और सभी का आभार प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और मेरा स्पेशल तरीके से बोला जाए तो मैं सर को अपने विक्रांत सर और कृष्णा सर को प्रणाम बोलता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया धन्यवाद। और हमारे भाई बड़ी बन मत करना।
हाँ सर, हाँ वो तो लाइव है, लाइव है, चिंता मत कीजिए, माता पिता लाइव है। विद्या राधा और बिंदु अपने जो कुमार है वो भेंट करना चाह रहे थे, समय के अभाव कारण से वो कार्यक्रम में छूट गया था, तो आएंगे, ठीक है। विद्या राधा बिंदु अविलंब तालियां बजते रहना चाहिए। सर भाग्य हमारे विद्या रानी है, बिंदु राधा, कोई जाना मत ना, तालियां बजते रहना चाहिए। आज के दिन हमारे शिक्षकों के दिन है और राम भाई अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। आप भी राम भाई अभी आइए ना, सर कार्यक्रम की तो नया गेट चल होने वाला है, इसके पश्चात इसके बाद आइए भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हाँ गिफ्ट ओपनिंग करेंगे, खोलिए खोलिए सर गिफ्ट। ओ देखते हैं क्या क्या गिफ्ट में, ये वॉच स्पेशल वॉच है सर, अरे वाह, हर बोल्ट का अरे वाह सर, क्या बात है सर, ताली बजाओ ताली रनिंग के लिए है, बढ़िया अच्छे से मुंह दिखाओ, वाह वाह वाह। अब इसी में टाइमिंग देख के ना प्रॉपर दौड़ाएंगे, देखना दे तो दियो घड़ी, लेकिन अब इसी में टाइमिंग देख के दौड़ाएंगे। अब इसमें ना 800 100 200 सब टाइमिंग देख के दौड़ाएंगे, तो ना बच के रहना है ना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, झिल्ली है नंगा, झिल्ली का चालू भी होते पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा अंदर में कुछ और क्या, बहुत बड़े हमारे बीच एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ऐसे इतना कुछ दोनों हाथ पहन लो, उसको निकाल लीजिए सर वाले घड़ी, मुझे हिप-हॉप लगेगा, पहन सकते हो वो ऊपर के कवर सर, कवर चार्जिंग भी है, चार्जिंग केवल दिक्कत ये बात है कि इसी घड़ी को देख के टाइमिंग देख के 1600 का 3 सेट, 800 का 3 सेट, 400 का 3 सेट, केबल रहने, केबल रहने, डबल डबल डाल दे केबल, 1600 का 3 सेट मैं लेगा है ना, केबल हैवी वेट वाले अलग, एसएससी जीडी अलग, 200 अलग, 100 अलग, 400 अलग, एसएससी जीडी वाले अलग, दिन वाले अलग, अग्निवीर वाले अलग, दिन के बाद एक मिनट कोई जाना मत ना, 5-10 मिनट नहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, समोसा बचा ना खा के जाएंगे, सब चिंता मत, समोसा से नहीं बचा, बहुत सारा रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला का 2 पेटी रखा दिया है बगल, 2 पेटी अलग से अपने 3 बोले अपने गुरुदेव के लिए थोड़ा सा गीत गाने वाली हूँ, ठीक है रुक के थोड़ा सा समझा मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जवा देना, गुरुदेव दया करके
थैंक यू, बहुत बढ़िया। इस कार्यक्रम का आयोजन किया विशेष तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आप लोग के सामने। विक्रांत सर और कृष्णा सर के बारे में दो चार शब्द बोलूंगा बस, उसके ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कृष्णा और विक्रांत सर ऐसे गुरु है जो दिन में आप कंडील लेके ढूंढोगे ना कोई भी नहीं मिलेगा, ऐसा है। जितनी भी तारीफ करूं ना सर के बारे में वो सब कम है। मेरे जीवन में इतना अनुभव है कि सर कृष्णा सर उत्तरान सर ऐसे टीचर है जो बेस्ट टीचर है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड का बेस्ट है। जो भी कराते हैं जो भी बोलते हैं अपने फैमिली की तरह ही सोचते हैं और मानते भी हैं। सभी का सर का सपना है कि सभी का जॉब लगे। सर कभी किसी को गलत सलाह किसी को नहीं देंगे, सर हमेशा ही सलाह अच्छे तरीके से ही देते हैं। सर जो भी अगर गुस्से में डांट देते हैं, जो भी अगर ऊंचे आवाज में बात कर देते हैं वो आप ही के लोगों के लिए है। विक्रांत सर ऐसे सर हैं जो अपना हेल्थ की इश्यू ना करते हुए वो ग्राउंड आते हैं और आप लोगों को कंटिन्यू रेगुलर कराते हैं। और कृष्णा सर अपने पढ़ाई को छोड़ कर आप लोग को कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन देते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर भी आप लोग को समझाते हैं कि आप लोग का सक्सेसफुल पुलिस का सपना जरूर पूरा हो। थैंक यू आप सभी लोग का। 50 रुपए का पुरस्कार मिला है, आप आइए अपने पुरस्कार ग्रहण कीजिए। आइए ये छवि बहुत ही सुंदर गाने गाए आपने, बहुत ही सुंदर। प्रकाश जी प्लीज भी है ये दो अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। आपके कार्यक्रम में लिख लिया है हेलो भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद। तो इस कार्यक्रम को सब संपन्न बनाने के लिए आप सभी लोग का सपोर्ट है, इसमें आप ही लोग के चलते ये सब कार्यक्रम इतने अच्छे किए हैं, उसमें पूरा आप लोग का सपोर्ट है, सर लोग का भी सपोर्ट है पूरा फुल। तो आप ही लोग का सपोर्ट ये सब कार्यक्रम हुआ है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं। और आप सभी का सहयोग से इतना अच्छा कार्यक्रम हो गया है और आगे भी करेंगे जब भी मौका मिलेगा। बस धन्यवाद। सेगा कंफर्ट वाला डायलॉग कोई डायलॉग चिपकाइए ना, एक दो डायलॉग साफ हो जाएगा। हां हां रख हौसला मंजर भी आएगा कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना भाई तो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। बहुत ही ऊंची भाषण था। अब विक्रांत सर को मैं आमंत्रित कर जोरदार ताली हमारे विक्रांत सर के लिए, आइए लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचल भाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम जय हिंद। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, अपने माता पिता की जय, पुलिस ग्राउंड की जय जय। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचे थे अपने लाइफ में, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था हमारे साथ। इतना बेहतरीन आप लोग हम लोग को पहले सबसे पहले इतना बेहतरीन स्वागत किए, हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं किए थे, एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी अभ्यर्थी जो भी है, हमारे दोस्त, हमारे कॉम्रेड डियर मैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए आप ऐसे निरंतर प्रयास कीजिए, विध अनुशासन के साथ जरूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार से अगर टेंशन दुख दर्द होता है तो कुछ समय के लिए रहता है, क्योंकि समय सबका बदलता जरूर है। तो सभी को खास मैं वॉइस में प्रकाश साहू जो हमारे लीडर थे और सभी हमारे जितने भी
सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए और इसमें कार्यक्रम को सफल बनाया। और गर्ल्स में सभी को मैं एक को नहीं कहना चाहूंगा, सभी लोग जितना इतना बेहतरीन डांस प्रस्तुत किए, गाना गाए और डायलॉग बोले और हमारे बारे में, उसके सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा दो मिनट मैं इसके टीचर डे पर करना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी लोग जानते हैं और हमारे कृष्णा सर को मैं हैप्पी टीचर डे सर, कृष्णा सर, धैर्या सर, आपको भी और मन संचालक अचल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, पिंटू ब्लॉक जी सर बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और सभी को जिन्होंने नाश्ता बांटने में, प्रसाद बांटने में बहुत सहयोग अभी भी कर रहे हैं निरंतर। बहुत तिवारी भाई, हितेश, प्रकाश, सभी का नाम तो जानता हूँ, नाम लेता रहूँगा तो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दो मिनट मैं टीचर डे के बारे में बोलना चाहता हूँ, सभी जानते हैं, फिर भी दो मिनट बताना चाहूँगा कि आज जो है भारत देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है किसकी याद में, उसकी जन्मतिथि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो तरुपल्ली माने तमिलनाडु में जन्म लिए 5 सितंबर 1888 में, जिनका मृत्यु तमिलनाडु में ही हुआ था 1875 में, 17 अप्रैल 1975 में। तो वो एक दार्शनिक थे और एक शिक्षाविद, साथ में बहुत बड़े विद्वान थे, जिस 40 वर्ष खुद शिक्षक में वो बिताए, जिसकी याद में राजा भाई हेलो, जिसकी याद में 40 साल मतलब शिक्षा में देना बहुत बड़ी बात है, उसी की याद में, उसके जन्मतिथि की याद में हम लोग शिक्षक दिवस मनाया जाते हैं, जिस प्रकार भारत देश में कहीं नहीं मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ना पूरे विश्व में, पर 5 सितंबर को केवल भारत देश में मनाया जाता है। तो देखिए क्या है, जो शिक्षक दिवस केवल शिक्षक से आशा है, उस शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बस ही नहीं मनाया, पूरे 365 दिन हम सब जिस प्रकार जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे, तो उसी दिन केवल याद नहीं करना चाहिए। देखो जिस प्रकार सभी बोलते हैं कि खुद जल कर दूसर को प्रकाश देता है, उसी प्रकार आप लोग शिक्षक को इतना बेहतरीन तरीके से ढंग से, इतना हम लोग को बेहतरीन ऐसा स्वागत हम लोग कभी नहीं सोचे थे, इतना बेहतरीन किए हो, उसके लिए हमेशा इस बात को कभी नहीं भूलूंगा मैं, हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगा। और जैसे देखिए क्या है, अभी ओलंपिक हुआ 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त, तो उसमें हम लोग के जो मेडल के लिए है उसमें 71वां नंबर में आया भारत का रैंक, पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान, तो ये जो आया है अभी 71वें स्थान पे, 2020 में हुआ था उसमें हम लोग का स्थान आया था 43वां नंबर, तो ये जो धीरे धीरे बढ़ आगे बढ़ कैसे रहे, मतलब घट है क्यों, क्योंकि अच्छा ट्रेनर नहीं मिल पा रहा है। क्या है, भारत देश में हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से मेडल जीते, ओलंपिक में जीते, तो मेन जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब अर्थात जो ट्रेनर है वो ही अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो इस कारण आगे हम लोग को मेडल नहीं मिल पा रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट बहुत उम्मीद भी कर रहे हैं गोल्ड, देखो पिछली बार गोल्ड मिला था, अगेन 6-7 मेडल मिला था, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज, ऐसे करके 7, और अभी मिला है 1 भी गोल्ड नहीं मिला है, ठीक है, तो ब्रांज और 4 ब्रांज मिला, इस तो पहुंच गए हम लोग 71वें स्थान पर। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि हम खुद जैसे सपोज किसी सपोज लेता हूँ मैं एक अधिकारी हूँ, स्पोर्ट टीचर, तो मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में ले जा रहा हूँ, और जैसे नेशनल हुआ तो वहाँ तो फैमिली नहीं चलेगा, वहाँ कंपटीशन होगा तो वो जो फैमिली वाला रहता है वो पीछे हो जाता है, इस कारण हमारे में ओलंपिक में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे आप लोग देखो पाकिस्तान में अभी नीरज चोपड़ा जो सिल्वर मेडल जीता, और जो नदीम है पाकिस्तान को वो गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में, और जाके आतंकवादी से मिल रहा है, तो ये बहुत खराब है, मतलब कहने का मतलब हमारे जो है चरित्र बहुत, भारत देश में हर एक
व्यक्ति एक चरित्रवान है, शिक्षा, तभी तो हमारे उत्तराखंड में विदेश लोग, विदेश से लोग आते हैं यहाँ क्या करने, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, ध्यान के लिए। जैसे आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा एजुकेशन के बारे में, अभी जैसे युक्तिकरण जानते हो, अभी जो होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया, इससे कई स्कूल जो होते मर्ज हो जाते, मर्ज माने शामिल, तो बहुत सारी स्कूल बंद हो जाते, और जो 57,000 शिक्षक भर्ती के लिए विष्णु देसाई जी घोषणा किए थे 53,000 सबसे पहले, तो मैं देखो कांग्रेस भाजपा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप पहले विधानसभा पहले जब हुआ चुनाव उससे पहले घोषणा किए, अब उसके बाद विधानसभा भी हो गए, लोकसभा भी हो गए, और एक पंचायत नगरी चुनाव भी आ रहा है, फिर भी अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है। तो सोचो जैसे 2021 में आया था फॉरेन जगह, ठीक है, अब वो फॉरेन जगह 21 में आया, अब उसका हुआ है 23 में फिजिकल, अब हो रहा है 24 में उसका एग्जाम, तो ये जो डिले हो रहा है वो सब एक ना हमारे क्या है राज्य में, हमारे देश में एक कैलेंडर जरूर बनना चाहिए कि इस दिन नोटिफिकेशन निकले, उस दिन रिजल्ट, और उसके बाद इंटरव्यू, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेता, तब व्यक्ति निरंतर दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे उधर दौड़ रहे, ये साई वाले 6 तारीख के आएगा, अब आएगा क्या कहे, 6 साल हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब देखो जैसे हम बताते हैं 22 लोग का टोटल सिलेक्शन हुआ है, 19 और 3 इधर, और तो सबको मिलाएंगे कर करके हम लोग बोलते जा रहे हैं, पर रिजल्ट आएगा तभी मिलाएंगे। वो कहने का था कि डिले जो हो रहा है एक रियल में, आप एक ना शिक्षक यहाँ रियल में अगर देखा जाए तो शिक्षा की कमी नहीं है, पर यहाँ जो शिक्षक ग्रहण करने वाले विद्यार्थी जो टीचर ही सही नहीं है, सिर्फ पढ़ा रहे जा रहे हैं और प्राइवेट कोचिंग अपना खुद दे रहे, तो कहाँ से विद्यार्थी आगे बढ़ेगा। आप जब सही स्कूल में पढ़ाएंगे तो कोचिंग का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग केवल जॉब के लिए तैयारी मत कीजिए, जॉब देने के लिए तैयारी कीजिए, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अभी मान लीजिए सपोज आपका बन गए होम गार्ड, अभी जैसे 16 तारीख को होगा फिजिकल, जितने भी डाले हो गए होम गार्ड में नगर सैनिक में, 11 दिन है 11 दिन। देखिए उसी प्रकार 22 सितंबर के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हो सकता है अक्टूबर में पुलिस भर्ती का आ जाए, तो इसके बाद आप और तैयारी कीजिए और तैयारी कीजिए और दूसरा को पढ़िए। जैसे मेरे को मनीष गुरु बताया, सर मैं कोचिंग देता हूँ फ्री में आप लोग को देखकर, तो उसी प्रकार आप दूसर को ज्ञान दीजिए, ताकि आप दूसर को ज्ञान देंगे तो आपका खुद ज्ञान बढ़ेगा, समझ रहे। हम लोग देखो खुद तो सर दोनों खुद तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को सिखा रहे हैं, समझ रहे हो। तो आप लोग भी सिर्फ जॉब के लिए नहीं, बल्कि आप ऐसा बनिए जिससे आप जॉब ले और जॉब देने के लायक हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं। सही बात, देखिए ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बोलने के लिए बहुत है। जैसे जिस प्रकार हमारे राष्ट्र में ये शिक्षक का अनुपात है 1:40, ठीक है, मतलब 40 विद्यार्थी पर एक टीचर, तो एक हम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है, 40 विद्यार्थी पर टीचर पढ़ा रहा है, सोचो। तो अभी जिस प्रकार शिक्षक भर्ती सब डिले हो जा रहे हैं, सब डिले, तो ये किस लिए हो रहा है, पैसे कमी के कारण, ऐसा नहीं है, पैसा बहुत है हमारे छत्तीसगढ़ में, भारत में भी बहुत पैसा है, सब ये अंदर में दबा रहे हैं। अभी आप लोग धीरे धीरे ये सब जानोगे, जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जब व्यापम PSC के बारे में सभी विषय को जब अध्ययन करेंगे, गहरी अध्ययन, तो जरूर आप लोग को थोड़ा थोड़ा महसूस होगा कि कर क्या रहा है। तो जरूर जैसे आप कार्य आरक्षक का अभी 150 पोस्ट आने वाला है, तो उसमें एग्जाम पहले होगा, तो आप निरंतर प्रयास कीजिए, जरूर सफल होंगे, छोड़िए कभी नहीं। देखिए दो चीज में आप लोग देखो, मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ एक मिनट और लेना चाहूंगा समय, कि जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और परेशानी को झेल कर आगे बढ़ता है, जैसे हम किराए में रह रहे हैं तो एक न एक परेशानी रहता है, जैसे बाथरूम का हो गया, या मकान मालिक अच्छा है तो अगल बगल का माहौल जो रहता है वो खराब है, कहीं पानी नहीं चल रहा है, तो कहीं भूत है, तो कई लोग डर रहे हैं, तो मजाक कैसे है, कई लोग मेरे से आए ना मजाक, नहीं मैं बता रहा हूँ सर, बहुत दूर जाती हूँ तो वो होता है, मेरे को चक्कर आता है, ऐसे नहीं है। देखो सब रूम में हरिराम पटेल का मैप है, पर उसको देखना भी जरूरी है, पता है
सारे रूम में भी मैं चार जगह चिपकाया, चार जगह रूम चेंज किया हूँ, चारों जगह आज तक दोबारा देखा नहीं हूँ मैं भाई, समझ रहे तू ये देखना बहुत जरूरी है। सही बात है, मजाक नहीं। आप लोग देखो इतना बेहतरीन, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए और इतना मेरे को खुशी हुआ, आज तक कभी ऐसा सोच भी नहीं सके थे हम लोग कि ऐसा करोगे। थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू था और खांसी था, वही गर्मी की वजह से थोड़ा हार्ड हो गया था उस दिन का, ठीक है। और खान पान का खान पान का जरूर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि भैया मेरे को अभी गया था घर तो बोले हर दिन सब सब केला खा जूस पी अगे ना पैसा दे रहे हैं कर रहे ऐसे, तो जरूरी है मैं बहुत होना हमेशा डाइट जरूरी है, खैरी चना मूंग दाल ठीक है मस्त, उसमें नींबू जरमेटेड मिलाक्स रोज कितना अच्छा, नहीं नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जरूर आप ना अच्छे से डाइट फॉलो कीजिए तभी आपका हेलो अच्छे से डाइट जरूर फॉलो कीजिए तभी आपका हेल्थ इशू नहीं होगा ना, हेल्थ जब तक आपका अच्छा रहेगा तब आप परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक। जैसे पैरों की चोट और छोटी सोच आगे बढ़ने नहीं देती, उसी प्रकार आप जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप फिजिकल वर्कआउट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। जो रात में जगते हो उससे बात करते हो क्या करो, ठीक है, एक लिमिट तक होता है, सबका निजी जीवन है, ठीक है। देखा हूँ कई लोग को तो बढ़िया है, बाकी सब बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं सर को देना चाहूँगा जय हिंद सभी को, वंदे मातरम, दरिया सर एंड मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना मेहनत करने के बाद मुझे पता था आप लोग एक हफ्ता से पहले इतना मेहनत कर रहे थे, हम लोग को पता नहीं था, मैं जानता हूँ पता नहीं था, लेकिन हम यहाँ आए तब पता चला कि इतना मेहनत किए, इसमें बहुत सारे लोग का भागीदारी है, साथ साथ सबका सहयोग रहा, ठीक है। तो मैं एक अपना विचार रखता हूँ, मैं एक संपर्क लेता हूँ जिसमें मैं अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए निष्ठा एवं आत्मविश्वास के साथ आप लोगों को अपने जो भी मेरे से जानकारी हो जितना भी मैं जानूंगा आप सबके साथ सहयोग करके अपना पूरा पूरा एकदम 100% लगा के आप लोग को सहयोग करूंगा, ठीक है। मैं आप लोग एक छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, विद्यार्थी जीवन में, इस विद्यार्थी जीवन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या बोलते हैं उसको, नेचर स्किल क्या है आप लोग बता सकते हो क्या, एनीवन? अनुशासन नहीं, अनुशासन तो डर है, अनुशासन डर कारण लेट लेकर टाइम को पुशअप कराएंगे, ये हो गया, मानते कि नहीं ऐसे करते नहीं करते हो, अनुशासन इम्पोर्टेंट नहीं है क्या विद्यार्थी के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या काम बता सकते हो, एनीवन बताओ, ठीक वेरी गुड, ठीक। देखो विद्यार्थी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना और क्या है जानने की जिज्ञासा, समझ गए ना, जब भी अगर जांच हो गया मैं हूँ बोलना सर ये कैसा होता है, आई जानकारी पूछना है तुम्हें कैसे करना है, अब क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ लोग है जिन्हें पूछते हैं, बाकी लोग तो पूछते रहते हैं, मारते नहीं मारते इसको, जब यहाँ भी हो चाहे स्कूल में हो चाहे कहीं भी हो चाहे अपन से बड़े क्यों ना हो, सवाल आना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मानते हो ना, ठीक है। और एक चीज मैं नोटिस किया हूँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जहाँ आते जरूर है लेकिन ध्यान 100% यहाँ नहीं होता, नहीं होता ऐसा करते हो, बहुत पर्सनल प्रॉब्लम होता है, घर प्रॉब्लम होता है, आर्थिक होता है कि नहीं होता है, होता है ना, देखो इसके लिए चार क्या चीज है जो सफलता पाने के लिए क्या क्या बताना चाहते हो, आत्मा मन चेतना व्यवहार, लाइफ में इस चीज को अपने आप में समझ लोगे ना, नमस्कार, लाइफ में इस चीज को समझ लिए ना तो समझो आप हर चीज को सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ इस शिक्षा दिवस के अवसर पर, मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप लोग, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा आप लोग का स्टार्टिंग से यहाँ तक आना, मैं देखा ना तो मेरा तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्या हो रहा है आप लोग बताना चाहता हूँ, मैं एक छोटे से गाँव से आकर यहाँ तक आना एक बहुत बड़े सफलता है, मैं इसको मैं कभी भी जाता हूँ ना हमें खुशी होता है, कहीं बाजार जाओ कहीं भी जाओ सर नमस्ते, इतना सम्मान मिलता क्या बताऊँ, मत कुछ मेरे दिल एकदम से खुशी के मारे मत कुछ सब मैं बता नहीं पाऊँ, सब बता रहा हूँ के बात करो, इतना खुश मिलता कि मत मतलब कि हमेशा मैं कभी ये सोचा नहीं था इतना सब, फिर पर आप लोगों के सपोर्ट को ऐसे आज इतना सब नाम जानते हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ज्यादा कुछ तो मैं बोलूंगा आपके साथ लोग तो बोल ही चुके हैं, इसलिए अभी आप कार्यक्रम बनाओ, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी सर, धन्यवाद। अरे हमारे रिस्पेक्टेड कोच सर सभी ने अपना अनुभव यहाँ शब्दों में पिरोया है, और आप सभी जानते हैं हमारे रिस्पेक्टेड कोच सर हमारे लिए क्या करते हैं,
और जितना भी हो सकता है हम सभी नहीं किया, और सर से जितना भी होता है अच्छा से प्रतिबद्ध है और आने वाले भर्ती के लिए प्रतिबद्ध है, तो लगातार अब जो हमारे नोटिफिकेशन आया है उसके लिए तैयारी करेंगे। राजा भाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील, और सभी लोग अपना अपना विचार रख सकते हैं। राम भाई आई नहीं छिपने से नहीं दिख रहे, बहुत बड़ा ग्राउंड है दिख रहे हो, और बर्मन भाई, रघुनंदन भाई, और लड़वा भाई मंच में, ओम भाई। देखिए सबको बोलने का अधिकार है, जैसे हमारे संविधान में 90 आर्टिकल के तहत वाक्य मतभेदी की स्वतंत्रता, उसी प्रकार आप लोग सभी से निवेदन करना चाहता हूँ अपनी इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार पांडे जी अपनी इच्छानुसार जो भी बोलना चाहते हो, 2 मिनट ज्यादा नहीं, अपना 2 मिनट अपना कीमती समय को देना चाहेंगे तो जरूर यहाँ आकर बोल सकते हो, और इसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट वेट करेंगे, एक गेम हम लोग किए हैं डिसाइड है तो उसको प्ले करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य मार्गदर्शक आंचल चौबे से आइए, अरे 2 शब्द टीचर दे पर प्लीज। यही तो बोल तो आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा निश्चित रूप से हुआ है। अच्छा ब्लॉक जा रहे बोलो, तो बहुत ही अच्छा अच्छा कार्यक्रम रहा आप सभी के सहयोग से, और हमारे जो दीदी हैं गीत दीदी और उनकी टीम ने, नंदनी बहन है, नीलेश्वरी है, और विद्या रानी है, और बॉयज में प्रकाश भाई है, अमन वर्मा है, और सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, और मनीष भाई है, यो पिंटू ब्लॉग है हमारे, नितेश भाई है, प्रकाश है, आयुष, राम, जितने लोग हैं सभी, आयुष भाई, सभी के सहयोग से आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है, हो रहा है, और आगे भी कार्यक्रम निरंतर ऐसे रखेंगे। तो आज का एक चीट कार्यक्रम चालू होने वाला है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है चीट, में हमको पता नहीं है, सब लोग खुद अपने आइडियाज डाले हैं, तो चीट वाला कार्यक्रम चालू करें। आर यू रेडी? चलिए अपने विचार रखना चाहेंगे, मंच के लिए है, आप अपना विचार रख सकते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं टीचर्स के बारे में, ग्राउंड के बारे में, भर्ती के बारे में, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या है वर्दी को लेकर, और कोई भी डाउट होगा तो डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं मैथ से कभी, और फिजिकल भर्ती और भी सर हमारे सर, और कुछ भी अपने विचार रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं प्लीज। आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ मैं, हम लोग एक प्रयास था, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताना भूल गया था, देखो मैं हम लोग एक प्रयास किए हैं वित्त विभाग में, एक आवेदन दिया है सिर्फ आप लोगों के छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है, ठीक है, इसलिए जोरदार तालियां बजाओ, ठीक है। धन्यवाद ग्रुप फोटो नहीं कार्यक्रम तो करेंगे उसके बाद क्यों ग्रुप फोटो आ जाइए, अरे मेकअप निकल रहा है समझ रहा हूं, चलिए ग्रुप फोटो ले ले, आइए आइए मेकअप फिर से लगा लीजिए, ले ले ग्रुप फोटो, चलो चलो बहुत ही अच्छे तरीके से फोटो आने वाला है, ये देख सकते हैं सभी हमारा DSLR कैमरा आ चुका है, और सभी लोग यहां पर फोटो खिंचाने के लिए जो कि याद कर पड़ रहा है हमारा, सभी लोग बहुत बढ़िया ये हमारे पांडे भैया फोटो के लिए सर यहाँ पर बद्ध हो चुके हैं, एकदम एकदम सब रेडी है, चला चिल्लावा ना कुछ हो ये चिल्ला थोड़ा एक बार ची वाला कटी का ची, देखो तो एक बार 2 महीने का करना पड़ेगा, सनी देओल का डालो 2.5 किलो का हाथ दो तालियां राम भाई के लिए, सुनना भाई इसको सोचने की शक्ति दो, चलो नहीं पूरा बोलना पड़ेगा आपको, ये मजदूर का हाथ है गत्या, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वीडियो बनाए ना वीडियो का, यस बनाए, एक हवा तुला राम के देवा ना मोबाइल ला, किट क्या मिला हो बताओ ना आपको, किट मिला है ये वाला बोलना,
जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। सनी देओल का डायलॉग मिला है मेरे को, 2.5 किलो का हाथ। ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, ये 2.5 किलो का हाथ नहीं तो कितना किलो का भाई बताओगे? ये मजदूर का, ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जिसको पड़ता है वो उठते नहीं, उठ जाते। नेक्स्ट 10 में ज्योति सर मांगे, नेक्स्ट आइए आइए ज्योति, ए जल्दी आ। अरे यार देख तो बहुत सारा है, गाना भी गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। हां वही तो पता कर रहा, यही तो गेम है ना, दिन से गेम लेना, ले 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 ले, माता पिला लाइव आ चुके हैं। अनुशासन के महत्व क्या बात है, अनुशासन जल्दी जल्दी कैमरामैन के सामने रहिए। क्या मिला है पहले बताओ ना उसको, 5 मिनट खाया प्रसाद आपको बोल देना पड़े। अनुशासन में महत्वपूर्ण बातें क्या है बताइए बताइए बताइए। अनुशासन में जैसे हम लोग को सर लोग हम लोग को सिखाते हैं, बोलते हैं अनुशासित रहो, सभी इवेंट को अच्छे से करो, तो वही अनुशासन से हम लोग करेंगे तभी तो हम लोग को लक्ष्य की प्राप्ति होगी। समय से आना, 4 बजे बोल शासन में वही हम लोग को समय से ग्राउंड आना चाहिए, है ना, घर जाकर पढ़ाई करना चाहिए और यहाँ सर लोगों की बातों को फॉलो करना चाहिए। अपने कैंटीन के ड्रेस में आओ, ये नहीं कि अब यहाँ थोड़ा अच्छा दिखे यार बोल के दूसरे टी शर्ट में। और हमारे दोनों सर का अच्छे से बात मानना चाहिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट के तैयार रहेंगे, पूनम साहू, पूनम साहू आज बढ़िया, पूनम साहू आना, नेक्स्ट है पूनम साहू, आना ना पूनम। ए भाई पानी दे, तो देखो पानी देने आ रहे हो, पानी देने भाई एक मिनट, लगने के बाद आप नहीं 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 रिश्वत लेंगे ना, पास आके पास आ, मेरे को ये चीट मिला है करके बोलिए। दे भाई फिर दे रहे दोबारा, ए भाई ओए बाबू पहले बोलिए मेरा चीट, ए रोशन भाई एक ही दबाना, नौकरी लगने के बाद आप रिश्वत लेंगे कि नहीं? क्या आप रिश्वत लेंगे भाई, तो बताइए ना क्या किया, ऐसे करो उधर देख कर उधर, हाँ ये रोशन भाई बोलो, उपास के बोलो, बोलिए क्या आप रिश्वत लेंगे? ले ले रोशन, पानी पानी देने, नहीं क्या आप रिश्वत लेंगे? लेना इसके बाद प्रकाश साहू भी आएंगे, चीट उठाएंगे प्रकाश साहू, प्रकाश साहू भैया आइए, साहू भैया ये हम प्रकाश भाई चीट उठाई, ले चीट निकालिए, विद्यार्थी जो है शासन के यही तो हो गया थोड़ा दीजिए ना, क्या तो लेम के डारा वाला, लेकिन और विक्रांत सर के बारे में अपने एक नंबर भारत माता की जय, तो मैं कृष्णा सर विक्रांत सर को सर के बारे में बोलना चाहूंगा। मैं पहले एक इडली मिनी जुड़ा था, मैं पुलिस ग्राउंड आता था, अपना वर्कआउट करता था, चला जाता था, चार राउंड मारता था, कुछ नहीं करता था, चला जाता था। उसके बाद मैं आया था उस दिन ग्रुप में जुड़ा, मतलब विक्रांत सर बोले कि ग्रुप में जुड़ और करके भाई एक दो दिन अच्छा लगेगा, करना नहीं लगेगा तो मत करना बोले, तो फिर मैं ग्रुप में जुड़ा। फिर उस दिन हम लोग रघुराज गए थे, उस दिन अच्छा से वर्कआउट किया, अच्छा लगा, फिर उस दिन से कंटिन्यू आना स्टार्ट किया। फिर कृष्णा भैया दूसरे दिन आए, उसके बाद फिर कृष्णा भैया भी हर चीज कराया, विक्रांत दोनों भी अच्छे से कराए। फिर वर्कआउट करते करते अपने में पहले मैं कुछ नहीं कर पाता था अच्छे से, उसको अभी कुछ कुछ अच्छे से कर लेता हूँ।
सर लोग की मदद से। तो सर लोग बहुत अच्छे हैं, अपना 100% देते हैं, हम लोग को भी अपना 100% देना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगा आप सभी को, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आइए घर से एक और इनके पास जाकर अमीषा आएंगे, अमीषा आप चीज निकालेंगे, देखिए आप क्या क्या है, कोई भी निकालो, एनीवन बताइए बताइए। चीट में निकला है कृष्णा सर ने की दो अच्छी बातें, मुझे दो अच्छी बातें और दो बुरी बातें। अच्छी बातें सर जो भी बातें करते हैं सारी अच्छी बातें होती हैं, लाइक जैसे ग्राउंड आते हैं तो ग्राउंड से रिलेटेड कैसे वर्कआउट करना चाहिए, कंटिन्यू आना चाहिए और कैसे हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलता है, ये मेन उनका टॉपिक रहता है। तो ये अच्छी बातें हैं, आज तक मुझे कृष्णा सर की कोई बुरी बातें नहीं लगी है, तो इसके लिए सॉरी। नहीं ऐसा कोई वीकनेस पॉइंट भी नहीं है कृष्णा सर का, कोई नहीं है। साथ में विक्रांत सर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हमको हार्ड वर्क कैसे करना है उसको सिखाते हैं, उनमें भी कोई कोई वीकनेस भी नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर वो डांटते हैं तो हमारे लिए बोलते हैं। डांस के लिए सभी लोग आइए बताइए सर, डांस चलेगा भाई यहाँ आ जाइए डांस के लिए। हाँ भाई मनीष डांस कर भी नहीं कर तोर पर, धीरे धीरे नाचो, लेन तो थोड़ा हमरो बना देगा माँ का संग सुबह नाचने, कैमरा मत पकड़ छपा के ना। गाना लगा भाई, आ जाओ सब लोग, नीम के डारा लेकर गरीब हो समुंदर मतौरा था कैसे कमल संग पानी, मन के समुंदर मतौरा था कैसे कमल संग पानी, तो बिना जीना मुश्किल है दिल गानी, तिवारी
आई लव यू बाबू। अरे लाग रहा देख के चढ़े लो I don't know what to do.
आंचल जी कहाँ Thank you.
पर सभी लोग डांस करने के लिए आ चुके हैं। बारिश में भी कुछ आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। मोर लाइफ लाइन मोर चोकोबार मिस करता राजा तोला बार बार काल में आइए थोड़ा सा तो स्वागत है उसको लेता हूँ थोड़ा सा जारमा स्वागत है कृष्णा डांस फिजिकल एकेडमी में। आज मैं डांस के साथ सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज है टीचर डे इतना पूरी तरीके से हम लोग मनाए क्या बताऊँ। मैं सभी अभ्यर्थी का जो सहयोग किए हैं और जो सहयोग नहीं किए हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बहुत बहुत दिल से
हर बधाई और स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं है मेरे तरफ से और सर की तरफ से, क्योंकि आप इतना बेहतरीन हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे लाइफ में, इतना हम लोग उम्मीद नहीं था वो ऐसे आप लोग किए, बहुत अच्छा लगा। हमेशा ये चाहते हैं ऐसी आप लोग मेहनत कीजिए और अपने लाइफ को बनाइए और दूसर को जीत पाकर आप जॉब पाकर दूसर को भी जॉब दीजिए, सिर्फ अपने जॉब में रहकर सिर्फ ये नहीं, अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र के लिए, अपने आगे विश्व पूरा ऐसे बढ़ाने में भारत को विश्व में नाम रोशन जरूर कीजिए। और मैं बस इतना अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी लगातार अभी डांस चल ही रहा है, चलिए डांस करिए सर। हे पान वाला बाबू सुन, हे पान वाला बाबू, मैं न चुरा ले जिंदगी के आजा गोली मारा उड़ा ले। खींचा खींचा हो रहा, खींचा होगा जाके जिंदगी के आजा गोरी मजा उड़ा ले, मैं उड़ा ले जिंदगी के आजा गोरी मजा उड़ा ले। आ जाओ बच्चे लोग आ जाओ, नैन मुराले चुपते आधा रात के, आधा रात के गा चंदुआ भाई गाटो नहीं चुपते आधा रात के, खिचल पड़ी सर खिचल आधा रात के गा चंदुआ भाई गाटो नहीं चुपते आधा रात के, आधा फट तक माफी। अरे वाह खींचा खींचा खींचा, वीडियो बनाओगे क्या? देना रुमाल रखे हुआ
Let's go.